दोस्तों यहाँ लग गई वाट। यहाँ फिलहाल तो यही कहना होगा यहाँ पर ट्रिपल आर की रिलीज डेट के अनाउंस होने के बाद। यहाँ इसके ट्रिपल आर जो कि एक ऐसी फिल्म बन गई है, यहाँ पर इस फिल्म के रिलीज होने पर यहाँ पर कोई भी फिल्म जो कि अपने रिलीज डेट को चेंज कर ही दे, क्योंकि जैसे कि वस्तु ये एक मल्टी लैंग्वेज डबल स्टार वाली फिल्म है जिसे क्या SS राजमौली ने भारी बजट के साथ बनाया है। और जैसे कि फिल्म के ट्रेलर को देख तो ये पता चली गया, तो जैसे कि वस्तु यहाँ 7 जनवरी को आने वाली ट्रिपल आर की रिलीज डेट को पोस्टपोन कर दिया गया था। और जैसे कि अभी फाइनली ट्रिपल आर के मेकर्स ने यहाँ पर अनाउंस कर दी है अपनी दो रिलीज डेट, जो यहाँ 18 मार्च या फिर 28 अप्रैल को यहाँ पर हमें ट्रिपल आर देखने को मिलेगी। यहाँ तो जैसे कि ट्रिपल आर ने यहाँ दो डेट जो कि ब्लॉक की है, और इसी में यहाँ सब कुछ ठीक दिखता है तो 18 मार्च यानी कि यहाँ होली के मौके पर यहाँ पर हमें ट्रिपल आर देखने को मिलेगी, नहीं तो ये फिल्म जो कि हमें 28 अप्रैल यानी कि ईद के मौके पर दिखेगी। लेकिन जैसे कि दोस्तों यहाँ सबसे बड़ी बात क्या, इन दोनों ही डेट पर यहाँ पर आ रही है दो बड़ी फिल्में। और जैसे कि दोस्तों यहाँ साजिद नाडियाडवाला के प्रोडक्शन से आने वाली इन दोनों ही फिल्मों में से एक फिल्म से तो यहाँ पर ट्रिपल आर का क्लैश पक्का दिख रहा है। तो इसमें दोस्तों जहाँ एक तरफ 18 मार्च को यानी कि इस होली के मौके पर अक्षय कुमार जो कि लेकर आ रहे हैं बच्चन पांडे, नहीं तो जैसे कि 28 अप्रैल ईद के मौके पर यहाँ पर हीरोपंती 2 से ट्रिपल आर का क्लैश। तो जैसे कि दोस्तों काफ़ी वक्त से तो कहा जा ही रहा था कि यहाँ पर हीरोपंती 2 और ट्रिपल आर का क्लैश जो कि हमें देखने को मिल सकता है। और जैसे कि अभी फाइनली इसकी पूरी पूरी उम्मीद भी दिख रही है। जैसे कि SS राजमौली जो कि इससे पहले भी यहाँ पर अपनी फिल्म बाहुबली 2 जो कि लेकर आते दिखे थे 28 अप्रैल को, और जैसे कि दोस्तों अभी 28 अप्रैल को एक बार फिर से यहाँ पर हमें SS राजमौली की फिल्म यानी कि ट्रिपल आर देखने को मिल सकती है। तो इसमें दोस्तों जो है हीरोपंती 2 को 29 अप्रैल को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, उन्हें एक झटका लग सकता है। लेकिन जैसे कि दोस्तों यहाँ फाइनली देखने वाली बात रहेगी कि क्या है हीरोपंती 2 जो कि ट्रिपल आर से क्लैश करती है क्या। साथ ही और बॉलीवुड से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।